कोर्ट चले जाएंगे अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं होता है। हम आपको कह रहे हैं बाबू कि हम अगले छठ के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। क्या है केवल वो पुल डैमेज हुआ उसको रिपेयर कराने के लिए जिला प्रशासन पूरा सतर्क था। वो पुल रिपेयर हुआ उस पर हल्के वाहनों का चलना चालू हुआ उसके बाद जिला प्रशासन तो हम लोगों का बरसात आ गया उसमें काम फंस गया। उसके बाद में वन विभाग का ये जो पेड़ है ये फंस रहा है। नमस्कार, 9 तक बिहार में आपका स्वागत है। 9 तक टीम हमेशा वो मुद्दे उठाती रही है जहां प्रॉब्लम ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहां का है। ये सिवान का दाहा नदी ओवर ब्रिज पूरा गड्ढा है और काम धाम चल रहा है। और आगे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर अभी जो कर्मचारी हैं उनके कोई मुंशी है तो कोई लेबर है, सारे लोग आराम कर रहे हैं। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यानी जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुल का जो काम है ये पूरा लगभग हो चुका है। इस छोर से उस छोर तक यह पुल लगभग कम्प्लीट हो चुका है और कहा जाए तो अगर बिल्कुल ये अंतिम चरण में चल रहा है। यानी अब यह बहुत जल्द ही सिवानवासियों को सौंप दिया जाएगा। और इस किनारे की तरफ आपको हम दिखाते हैं कि क्या यहाँ चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो काम चल रहा है इसको अप्रोच जो जोड़ने का नीचे से जो चढ़ाव का है वो काम चल रहा है। यानी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यह जो अप्रोच बनता है वो बन रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इसमें जो मुंशी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ तक काम पूरा हो पाया है और क्या कुछ अभी चल रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पे मुंशी का काम करते हैं। मुंशी काम करते हैं। कहाँ तक ये काम हो पाया है जी? लगभग काम ब्रिज का तो कम्प्लीट है जी। और वो अप्रोच रोड जो है एक साइड में भी लगभग कम्प्लीट है जी। एक साइड में पूरब साइड इधर कोर्ट है उसके साइड में और पेड़ के वजह से काम बाधित हो रहा है। यानी पेड़ के वजह से हम आपको वो दृश्य पहले दिखाना चाहेंगे कि कहां से ये मामला कर रहे हैं, कहां से कहां काम रुका हुआ है। ये जो पेड़ जब तक नहीं हटेगा जब तक काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन सा पेड़? ये वाला पेड़? ये पेड़ भी है, 500 पेड़ है जी। जो 500 पेड़ हम लोगों को काम बाधित कर रहा है। तो इसके को लेकर के कहीं आवेदन दिलाया है? अधिकारी से जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि आवेदन दिया गया है, लगभग 2-3 महीना हो गया, उससे पहले भी शायद दिया गया है। किसको दिया गया है? DM के पास भी दिया गया है शायद और वन विभाग को भी दिया गया है जी। तो क्या हुआ, ये लोगों ने पेड़ काटने से मना कर दिया है क्या? क्या जानकारी मिल पाई आपको? जानकारी यही मिल पाई है कि शायद मीटिंग शायद होता है लोगों का, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ इसके वजह से काम बाधित हो रहा है। अब लेबर को छोड़ना पड़ेगा अब हमको। अच्छा, तो यही पेड़ है ये, है ना? हाँ, ये 500 पेड़ है। तो इसकी अनुमति यानी वन विभाग नहीं दे रहा काटने का? वन विभाग अब काटने की अनुमति अब काटेंगे कि इसको कहीं शिफ्टिंग करेंगे, अब तो वही लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन इसका कुछ अब क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए काम हमको बंद करना पड़ेगा, अब लेबर भेजना पड़ेगा घर पे। लगभग कितना दिन का और काम बच गया अगर ये पेड़ घट जाता है? आजकल तो हम लोग लगभग 1.5 महीना में लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो यानी अब ये सिवान की जनता को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लीजिए कि जब काम नहीं रहेगा तो लेबर चला जाएगा। इस ओवर ब्रिज का जो हमने बताया है आप देख सकते हैं कि जो काम चल रहा है, जो पेड़ रुका हुआ है, पेड़ की वजह से काम रुका हुआ है। ये लोगों ने आवेदन भी दिया है, वन विभाग को आवेदन दिए थे आप लोग? जी, वन विभाग को मिला है आवेदन, लेकिन वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई वहाँ क्या होगा अभी नहीं, इसका डिसीजन नहीं आया है वहाँ से। उस वजह से आप लोग भी फंसे हुए हैं? हाँ, फंसे हुए हैं। उधर का काम तो देख ही लिए, पूरा काम कंप्लीट है, मिट्टी भी हम अपना स्टॉक कर लिए हैं, उसको धीरे धीरे अपना प्लेसिंग करेंगे जी। इसलिए कि रखने का जगह नहीं, इसलिए वहाँ स्टॉक कर रहे हैं। अब इधर का काम अब जब तक पेड़ नहीं हटेगा तब तक इसका हम खोज कर काम कर नहीं पाएंगे। कितने कुल कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ है।
पांच पेड़ हटेगा तभी कुछ हो पाएगा, तभी कोई आगे काम बढ़ेगा। इसलिए कि और कोई रास्ता तो है नहीं? नहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प इसको हटाना ही या शिफ्टिंग कहीं जो भी अपना हटावे या शिफ्टिंग करे अभी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, वन विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग ब्रिज का काम पूरा हो चुका है और जो पेड़ चार पाँच दिख रहे हैं रास्ते में हरे पेड़ हैं उनको बिना वन विभाग के आदेश के नहीं काटना है, इसलिए इन लोगों ने आवेदन भी दे रखा है लेकिन कहीं से कोई कुछ शायद इनके मुताबिक जो मुंशी कर रहे हैं इनके मुताबिक अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है और जो लेबर हैं वो बैठे हुए हैं, हो सकता है कि एक दो दिन में उनको छोड़ना पड़े। अगर ये आदेश आ जाता कि पेड़ कट जाए और काट के आप लोग रोड का अप्रोच दे दीजिए तो यह शायद काम एक डेढ़ महीने में पूरा हो जाता और सिवान वासियों को नए पुल का सौगात मिल जाता जो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। और इनको डिस्टर्ब कर दिया बिजली विभाग जी पहले, इसके वजह से 6 महीना इनका काम डिस्टर्ब रहा। 11,000 वोल्ट का जो हाई टेंशन तार था वो उसको नहीं हटाया लो 6-7 महीना, खैर वो हटा काम अपना लेके स्पीड में चला। अभी ये डिस्टर्ब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर परिषद का वो बोर्ड हटाना है जी जी। नगर परिषद का बोर्ड तो खैर थोड़ा देर से भी हटेगा तो चलेगा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितनी लापरवाही बरत रही है जी जी, जबकि हमको बाजार बराबर पुल निर्माण निगम के अधिकारियों से बात होते रहता है, ये लोग बराबर चिट्ठी दिए हुए हैं, डीएम के हर मीटिंग में इसको कहते आए हैं लेकिन आज तक वन विभाग सोया हुआ है। नतीजा ये है कि अब 2 दिन के बाद इनका फाइनली काम बंद हो जाएगा। तो फिर ये मामला लटका ही रह जाएगा सर? हाँ तो लटका ही रह जाएगा, यहाँ के पब्लिक भुगतेगी। तो यहाँ लापरवाही किसकी है, आखिर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? यहाँ लापरवाही अब जिला प्रशासन की, क्योंकि जिला प्रशासन के नाक के नीचे काम हो रहा है जी, अब विभाग की नहीं रह गई है, ये भी सोया हुआ है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन हर महीना प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस मीटिंग देखता है, रिपोर्ट भी अधिकारियों से लेता है, तो वो अगर एक्शन में नहीं आता है जी जी, हम अपने जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि व्यक्तिगत इसमें इंटरेस्ट लेकर के और इस समस्या का तुरंत निदान करावें ताकि आम जनता को अभी जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत से निजात मिल जाए। ये अगर समस्या दूर होती है तो हमको उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना में ये पुल हैंडओवर कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और आपको बता दें कि जैसे ये पुल बहुत ज़रूरी भी है और इन लोगों से बातचीत हुई जो स्थानीय लोग हैं, ये काफ़ी ज़मीनी बात बता रहे हैं। आप बताइए कि किसी पुल का निर्माण हो कभी कोई मसला लटकता रहे और जिला प्रशासन उसमें साथ ना दे तो कैसे काम हो पाएगा? यहाँ हुआ भी यही है क्या सर? हाँ यही है यही है, लापरवाही हुई है, जिला प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, केवल वो पुल डैमेज हुआ उसको रिपेयर कराने के लिए जिला प्रशासन पूरा सतर्क था, वो पुल रिपेयर हुआ उस पर हल्के वाहनों का चलना चालू हुआ उसके बाद जिला प्रशासन से, ये पुल कितनी जल्दी कंप्लीट हो इस पर केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिए हो गया, निश्चिंत हो गया, यानी सिर्फ खानापूर्ति हो गया। तो सवाल आज भी जिला प्रशासन अगर इंटरेस्ट ले ले और 2 दिन के अंदर इस, अरे चूंकि अब पेड़ को हरा पेड़ को काटना नहीं है, इसको शिफ्टिंग करना है जी, तो ये भी काम जो शिफ्ट करने लायक पेड़ है, यहाँ शिफ्ट करने लायक मात्र एक पेड़ वही है जी जी, इसके बाद ये सब डिस्पोजेबल है, ये सारे पेड़ डिस्पोजेबल है, ये जंगली पेड़ है ये किसी वर्ग के नहीं आना, ये शिफ्ट हो सकते हैं दोनों चीजें जी जी। तो हमको लगता है कि अगर जिला प्रशासन जिला अधिकारी महोदय अगर फॉरेस्ट अफसर गोपालगंज में अगर उनको बुला करके अगर इस चीज को फ्रेम अगर बात करें तो ये माने हमको लगता है कि 12 घंटे के अंदर ये डिस्पोजल हो जाएगा। कितना जरूरी है पहले पुल सर ये बताया जाए? जरूरी तो ये सिवान का हार्ट है जी, या सीमान में इन करने के लिए अदर जिला से अदर स्टेट के लोग एकमात्र यही साधन है, अब इससे बड़ा माने कोई जगह नहीं है। जाम की भी जो समस्या है एक कारण ये भी है, इसी की वजह से जाम भी होता है और यह दिल शहर का दिल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का ये बहुत बड़ा पुल माध्यम रहा है, जैसे पहले भी अब देखे होंगे इन्होंने बात की बताया, इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि बहुत मुश्किल से तो रिपेयर करके हल्के वाहनों को अनुमति दी गई, उस वक्त तक तो जिला प्रशासन सतर्क था लेकिन उसके बाद से कहीं कोई नहीं कुछ नहीं हुआ। तो सर क्या वन विभाग की लापरवाही बड़ी मानी जाएगी? एकदम, इतना सेंसिटिव जगह पर पुल में इतना स्लो उनका आई, आज हमको जो जानकारी है विभाग के पुल निर्माण निगम के लोगों ने जो जानकारी दिया है, नंबरिंग आज सारे पेड़ों पर नंबर लगे हुए 1.5 महीना से ऊपर हो गया, फिर भी नहीं कटा, नहीं हटा, 1.5 महीना पहले नंबर पड़ा जी जी, ठीक है जी, और 1.5 महीना के अंदर वो लोग डिसीजन नहीं ले पाए कि इसको पेड़ को डिस्पोजल करना है या शिफ्टिंग करना है, क्या तमाशा है भाई।
ये तो खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है, एकदम 100% मजाक हो रहा है। आम पब्लिक को इसमें सताया जा रहा है, ठेकेदार भी बेचारा क्या करेगा। ठेकेदार को साइड अगर क्लियर नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा। ये सारी जिम्मेवारी विभाग और लोकल जिला प्रशासन की होती है। तो तमाम उन लोगों से हम अपील करें कि भाई आप लोग भी सजग हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि विभाग की लापरवाही से सिवानवासी फिर परेशानी में पड़ जाएं। कोर्ट क्यों चले जाएंगे हम कोर्ट चले जाएंगे अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं होता है। हम आपको कह रहे हैं बाबू कि हम अगले छठ के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। ये बहुत इतिहास का हम करेंगे। जी जी, तो ये देखिए आपकी अब लोगों में नाराजगी भी धीरे धीरे आने लगी है कि भाई कब तक कोई इंतजार करे। आप बताइए कि ठेकेदार क्या करेगा, मुझे क्या करेंगे, लेबर क्या करेंगे, वो सिस्टम के अनुकूल चलना है उनको। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी है। फिर सर कुछ कह रहे हैं जी, क्योंकि जिला प्रशासन इसके पहले लोकहित याचिका उस पर हुआ है उस पुल पे। जी जी, और उसमें ये लोगों ने एफिडेविट किया है विभाग और जिला प्रशासन जी कि 10 जून तक इस पुल को कंप्लीट करके और इस पर ट्रैफिक चला दिया जाएगा। लेकिन दोपहर हो गया 10 जून, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उसी रीट के अगेंस्ट में फिर जाएंगे और इन लोगों पर कोर्ट ऑफ कंडेंट हम चलवाएंगे। तो देखा आपने कि बिल्कुल सही बात है कि जब टाइम जो दिया गया था डिले हो गया, फिर जब काम पूरा हो गया तो एक मामूली सा काम के लिए ये डिले हो रहा है, यानी पेड़ मामला फंस रहा है। जैसा इन लोगों ने बताया कि एक ही पेड़ है जो शिफ्ट किया जा सकता है, बाकी पेड़ डेड है, यानी उनको वो नहीं हो सकते हैं। खैर बहरहाल ये तो वन विभाग आके देखेगा, चेक करेगा, उनको आना चाहिए। सरकारी तमाम जो अफसर हैं उनको सजग भी होना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। और सवाल यह कि 4-5 पेड़ की वजह से सारा काम हो चुका है, क्यों रुका रहेगा भाई, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह की तमाम खबरों को से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देख रहे थे 9 तक BR, मैं हूँ इमरोज अहमद। इस तरह की तमाम समस्याओं से लगातार आपको अवगत कराता रहूँगा और रिक्वेस्ट किया करूँगा कि जागते रहिए, सजग रहिए, ऐसा ना हो कि सब होने के बाद भी आप परेशानियों में पड़े रहें और फिर गड्ढे में गिर जाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सलाम।